दिन में झांक के तो देखो, तुम्हारी जगह तो किसी ने ली ही नहीं। हाँ मैं खफा था, शिकवे भी बहुत थे मुझे, और शिकवे कहां होते हैं उल्फत, कहां होते जहां मोहब्बत हो, जहां रिश्ते हो। तो मुझे छोड़ के जाने की बात क्यों की थी? क्योंकि तुम मुझसे ना उम्मीद हो गई थी, तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा, अपने वादे से मुकर जाऊंगा, जबकि तुम ये जानती हो, तुम ये जानती हो कि मैं वादों को मोहब्बत की तरह समझता हूं, पर मोहब्बत में तो बेवफाई नहीं होती। तो फिर तुमने कैसे समझ लिया कि मैं बेवफा हूं? जैसे तुमने सोच लिया था कि मैं ना उम्मीद हो गई हूं। मुझे यकीन था तुम आओगे। देखा, तो मेरे यकीन पे पूरे उतरे थे शाहान। तो फिर तुमने तैयारी क्यों नहीं की? तुम्हें तंग कर रही थी यार, मैं चाहती थी कि तुम आओ तो हम मिलकर साथ मौसम को एंजॉय करें, मगर मुझे भी माफ कर दो उल्फत, मुझसे भी गलती हो गई। एक क्षण, जो तुम कहो। मेरे लिए चाय बना कर लाओगे? मैं कैसे चाय बना सकता? जैसे मैं बनाया करती थी। इस वक्त क्यों मैं कोई लंबा भी समय नहीं करना चाहती, और याद रखना भी पहला कोई वक्त मुकर्रर है।
कैसी है? पत्साइका। कहा था ना मैंने। तुम्हारी ये बदजायका चाय के जायके के लिए तरस गई थी मैं। शायद मैं इस तारीफ के लिए तरस गया था। जानते हो, ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं अपने बचपन को जी रही हूँ, जैसे सारा बचपन नजरों के सामने आ गया। सूरत था ना हमारा बचपन। तुम्हारा होगा खूबसूरत, मेरा तो पिटते पिटते मारे खाते खाते। गलती तुम करती थी और अम्मा की सारी सजा मुझे मिलती थी। हाँ तो सताते भी तो इतना थे तुम मुझे। हाँ तो तुम रोती भी तो इतना थी, यहाँ तुम्हारा आंसू टपकता था और वहां अम्मा की चप्पल उठती थी। कसम खुदा की इतने जख्म खाए मैंने, जख्मी होके रह जाता। सब याद है। ये याद नहीं कि मरहम भी पे मैं ही लगाती थी? हाँ, और देखते नहीं थे मरहम लगाती कैसे? तुम कहते थे हाँ दर्द तो खत्म यूं झटके में। और आंटी को जाता था जादू वाली मरहम थी। जख्मी तो अब भी हूं मैं, सोचता हूं क्या मेरे इन जख्मों पे मरहम नहीं लगाओगे तुम? क्या इस दर्द को दूर नहीं कर सकती जो दर्द तुम्हारी दूरी की वजह से है? मैं उल्फत को जीतने नहीं दूंगी, वो शाहान को मुझसे नहीं छीन सकती, वो मेरा है, सिर्फ मेरा है। शाहान और गजाला पर ये जूता जो है ना, ये तो मुझे बहुत ही पसंद था, तो जब भी मैं पहनती थी मुझे आप क्या लगती थी? ये गोल्डन वाला जोड़ा है ना, उसके साथ पहनिएगा। हाँ, इस पे डाल के देती हूँ ना। छोड़िए, आपसे महंगा थोड़ी है। आपको ज्वेलरी पसंद है ना, ये मैं आपके लिए लेकर आई। थैंक यू। खुश। और ये आपके लिए। ये सब क्या है? एक सेकंड, ये चश्मा पहने। तजदीद वफा। क्या मतलब? ये औरतें कौन है? उल्फत ने बुलाया है। वो तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन किस चीज के लिए? तो पलटना चाहती है, ऐसा लगता है वापसी की राह यही है। ये गाड़ी उसको दीजिएगा, सही है, खुश हो जाए। खैर तुम प्लीज नाश्ता बना दो, मुझे तैयार होना है। These are for you. पहुंच गया था मैं तो टाइम पे। इतने लोग और ही मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। ओ भाई, इधर किधर? क्या मतलब ऑफिस है मेरा, और कहाँ जाऊंगा? आपको किसी ने बताया नहीं आज आपकी छुट्टी है? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको भाभी के साथ होना चाहिए, वो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही हैं।
तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, और तुम्हें काम की पड़ी हुई है। उल्फत का ख्याल रखने के लिए वहां सब मौजूद है, मगर उन सब में तुम तो नहीं हो। तुम्हें उनके साथ होना चाहिए अब जब सब ठीक होने जा रहे हैं। और काम? काम आप उन ताचीज पे छोड़ दें, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे सारी रिपोर्ट्स चाहिए। ओके बॉस, आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, अब आप जाएं। थैंक्स मंसूर। नहीं नहीं नहीं, आपके पर ये चश्मा बहुत अच्छे लग रहे। तुम्हें पसंद है? जी। इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, रख लो, मुझे तुम पे ज्यादा प्यारा लगा। मेरी बहनों, मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, आने का वादा किया था पर छोड़ के चली गई है ना, आप लोग नाराज है ना मुझसे, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरा मोहल्ला है और यही मेरी दोस्त है, सही है ना? सही है। तो आ जाओ, गले लग जाओ। अब हम मिलेंगे, हाँ रोजाना चाय पिया करेंगे, ठीक है? कुछ अच्छा नूरी, मेरा मुंह ना खुलवाई लो। और खोल दे, डरता कौन है? पागल हो गई हो तुम दोनों, क्यों लड़ रही हो? कभी तुम दोनों ने दिमाग से काम लिया? हमने कौन सी मिनिस्ट्री करनी है जो दिमाग से काम ले। ऐसे तू इतनी देर से क्या सोच रही थी? जो कुछ आज सुबह हुआ मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। उल्फत के दिमाग में यकीनन कुछ चल रहा है। वो उल्फत जो अपना बुखार किसी को ना दे, वो अपनी चीजें गरीबों में बांट रही है, कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है मेरी दोस्त, असल में ना अमीरों वाले वतीरे अपना रहे। बहुत दिनों से बोरियत का शिकार थी तो हलचल मचाने के लिए शफक की जिंदगी में आ गई। अब देखो उल्फत बीबी तो कहीं नहीं जाने वाली, अलबत्ता शफक को घर से जाना पड़ेगा। हाँ तो इसमें गलत क्या है? उल्फत ने उस पर एहसान किया है, पर से वो मालकन बनकर बैठ गई, जरा भी उसकी मोहब्बत का लिहाज नहीं किया उसने। कौन सी मोहब्बत की बात करी है वैसे शकुरन तू? ये तो सौदेबाजी होती है ना, इसके अंदर मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं होती। वो तो शुक्र है उल्फत की किस्मत अच्छी है कि बात नहीं खुली, ना शफक ने अपने मुंह से भाप निकाली। शाहान भाई को पता चलता ना तो ना सौदा रहता और ना सौदा करने वाले। मोहब्बत करने, अरे ड्रामा शुरू किया है तुमने? अरे तुम आओ बैठो ना मेरे घर में। अरे यार तुमने फिर से आने में देर कर दी। अभी क्या है ना, मैं कुछ देर पहले चीजें ही बांट रही थी, पहले आ जाती तो तुम्हें भी कुछ दे ही देती। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हें क्या लगता है ये गोलियां खाने का नाटक करके तुम शाहान को मुझसे छीन लोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, जो चीज मेरी है उसको छीनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो ना, तुम्हारी खिदमतों का सिला भी तुम्हें मिल ही गया है। कहा था ना इस घर के दरों दीवार में उल्फत बसती है, ये घर और इस घर में रहने वाला हर फर्द उल्फत का, वो जब चाहे किसी को भी खाक कर सकती है।
और देखो खाक तो हो गया, चलो जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म, क्योंकि तुम मुझे रिप्लेस करने में नाकाम हो गई हो। और हाँ, जाते हुए ना मेरे कमरे से अपनी तस्वीर लेते जाना, वो क्या है ना, मुझे अपने घर में किसी गैर का साया भी बर्दाश्त नहीं है। उल्फत तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा तो हो चुका है। सच पूछो तो अभी बाकी तरस आ रहा है मुझे तुमको, तुम तो खाली हाथी रह गई हो। मत भूलो हमारी डील हुई है। अरे चलो चलो, उल्फत किसी डील वील को नहीं मानती। जितने पैसे दिए थे ना, सूद समेत लौटा दूंगी तुम्हें, समझी। और वैसे भी मैंने उस घर की कीमत लगा दी, तुम्हारी दी हुई खैरात से तो ज्यादा नहीं बिक रहा है। पैसे मिलते ही तुम्हारे मुंह पे दिमाग की, लेकिन हाँ मेरा शौहर बराए फरोख नहीं। सौदा करते हुए इस बात का ख्याल नहीं आया था तुम? अरे कहा ना, लौटा दूंगी। क्या लौटाना है उल्फत? हाँ बोलो, ऐसा क्या दिया शफक ने तुम्हें जिसे तुम्हें वापस करना है? तुम बताओ शफक। अरे जवाब दो, खामोश क्यों हो दोनों? वो मैं कह रही थी कि मोहब्बत शान, आप जानते हैं ना मैं अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करती हूँ। ये पागल मोहब्बत लौटाने की बात कर रही है। मोहब्बत लौटाई जाती है क्या? हाँ मोहब्बत मोहब्बत, हम यही तो बातें कर रहे थे। अब देखो ना, मेरी बहन मुझसे इतनी मोहब्बत करती है तो मुझे भी तो लौटानी चाहिए। आप ऑफिस से कब आए? सब खैरियत? हाँ खैरियत है, बस कुछ काम था। मैं आती हूँ। ऐसे लगता है कि दवाइयों का असर सीधा तुम्हारे जहन पे गया है, सोचने समझने से बिल्कुल ही महरूम हो गई। अल्लाह मियाँ ने दिमाग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं दिया, इस्तेमाल भी करना होता है। जबान संभाल के बात करो। और तुम अपने जज्बात संभालो, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हाँ दिमाग खराब हो जाता है मेरा तुम्हें देख के। जब जब मैं तुम्हें अपने घर में अपनी जगह पे देखती हूँ ना, मैं पागल हो जाती हूँ। सच पूछोगी? नहीं बर्दाश्त होता मुझसे तुम्हारा वजूद अपने इस घर में और मेरे शान की जिंदगी में, समझी तुम? तुम्हारे जाने ना जाने से क्या होगा उल्फत? हाँ ये मेरा घर है, मेरा और शाहान का, कुछ नहीं कर सकती। कोशिश करके देख लो। क्यों चुटकी में मसल दूंगी तुम्हारी गृहस्थी को? तरस आता है मुझे तुम्हारी मासूमियत पर। यूं ना शाहान तुम्हें मसल देंगे, जब उन्हें जरा सा भी अंदाजा होगा ना कि मैं उनकी जिंदगी में आई नहीं हूं, लाई गई। तुम मुझे उनकी जिंदगी में लेके आई, दौलत की, उनके साथ साथ तो तुमने मुझे भी इस्तेमाल किया है। और फिर जब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया तो वापस आ गई मुझे निकालने के लिए। झूठ है ये, शाहान की मोहब्बत में तुम जान दे रही थी, ये सब प्लानिंग थी तुम्हारी? इस बात का सबूत है तुम्हारे पास? बोलो उल्फत, बोलो। अरे तुम चुप क्यों हो गई? बोलो ना, सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने किया है? तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यकीन दिलाने में ना एक लम्हा भी नहीं लगेगा और तुम्हारी हस्ती खत्म। क्योंकि शाहान जानते हैं कि तुम दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन वो ये नहीं जानते
कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जान दे सकती हूँ, जान ले सकती हूँ, और सबसे बढ़कर तुम्हें उनकी नजरों में गिरा सकती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। एक शर्त पर। तुम्हें यहां से जाना होगा। हमारी इस घर में कोई जगह नहीं है। लौटा दूंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ तो क्या हो गया, कर लेना अपने बॉस से शादी भाई, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ। ये भी तो हो सकता है कि उसका प्राइस बॉन्ड निकला है। प्राइस बॉन्ड का शौक होने से किस्मत थोड़ी ना खुल जाती है डैड। अब उसके लिए तो अच्छा नसीब चाहिए, जैसे मेरी बहन उल्फत का है। उल्फत, मैं तुम्हें अभी से कांग्रेचुलेट कर रही हूं। तो पता है तुम्हारा ही प्राइस बॉन्ड निकलेगा। ओके मैडम, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब की दफा मैं ऐसा नंबर लाकर दूंगा कि पहला इनाम आप ही का निकलेगा। ये 10 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है तुम्हारा। तुम्हारे 10 करोड़ का प्राइस बॉन्ड। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, जब मैनेजर साहब आए थे ना, बड़े साहब उस वक्त सो रहे थे। पता था तू घर पे नहीं बैठ सकता सुकून से। मैंने कहा था मुझ पर भरोसा कर, मैं सब काम निपटा दूंगा, मगर नहीं, हमेशा शक करना मेरी सलाहियतों पे। नहीं, क्या हुआ, 12 क्यों बज रहे शक्ल पर? कुछ नहीं, उस मैनेजर को मेरे पास भेजो। अब वो मैनेजर तो नहीं आया, उसकी तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शान, तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। उल्फत, उल्फत। जी खाना। तू नाराज है अपनी खाला से? नहीं। क्यों, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, तू जब से आई है कमरा बंद करके बैठी हुई है, जैसे मुझे अपनी खाला की कोई बात भी लग गई हो तुझे। नहीं खाला। तू पर क्या गुत्थियां सुलझाती रहती है हर वक्त कमरा बंद करके? जिंदगी की गुत्थियां खाला, जो जाने अनजाने में मैंने खुद ही उलझा दी है। सो मेरा बच्चा, इस तरह कमरा बंद करके गुत्थियां नहीं सुलझती बल्कि और उलझ जाती हैं बेटा। देख, अब तूने फैसला कर लिया है ना वापस आने का, तो इस डर को दिल से निकाल दे कि कोई तुझे कबूल करेगा या नहीं करेगा। बस अपने फैसले पर डटी रहे, समझी ना? फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला सारी उलझन एक एक करके सुलझा देगा। एक बात तो बताएं खाला, मैं बचपन से आपको देखती आ रही हूँ, आपका यकीन कभी क्यों नहीं टूटता? आपको कभी इस तरह की कैफियत क्यों नहीं होती? आप क्यों कभी मायूस नहीं होती? हाँ, कैसे कर लेती है सब कुछ? हाँ? देख बेटा, ये जो उम्मीद होती है ना, बिल्कुल ईमान की तरह से होती है। जितना ये पक्का होगा
उतनी आसानी होगी हर चीज में। और मायूसी एक अंधेरी रात की तरह से होती है, जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही अंधेरा बढ़ता जाएगा। लेकिन ये रात है ना, इसका सवेरा जरूर होगा और फिर हर तरफ उजाला ही उजाला होगा इंशाल्लाह, है ना। तो मेरे अंदर ये यकीन क्यों नहीं है, मुझे क्यों अंधेरा छटता नजर नहीं आ रहा, क्यों मुझे कहीं भी रोशनी बिखेरा नजर नहीं आ रही है, क्यों? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उल्फत, हर इंसान के दिल में ये रोशनी होती है बेटा, लेकिन बस अक्सर वो अपनी नाफरमानियों और मनमानियों की वजह से उनको देख नहीं पाता है। बस तो अपने दिल की गर्द झाड़ के देख, इंशाल्लाह हर तरफ रोशनी रोशनी होगी, हर तरफ उजाला होगा। फिर चाहे गलती कितनी बड़ी क्यों ना हो, माफी मिल जाएगी? माफी की चाह रखेगी ना दिल में तो जरूर मिलेगी। बस ये ख्याल करना बेटा कि किसी की दिल आजारी ना हो, किसी को ईजा ना पहुंचे, किसी का मान ना टूटे। और अगर ऐसा हो गया तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, उस दुखी दिल को पहले तो मनाना होगा, उसे माफी मांगनी होगी, और अगर उसने माफ कर दिया तो बस सारी मुश्किलें आसान। अब अपना हुलिया दुरुस्त कर, सबके साथ मिल बैठ, हंस बोल, तेरा दिल बहलेगा। आ जा नीचे जल्दी आ। यहाँ? हाँ, कैसे वरान साहब? अरे ठीक ठीक सर। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? सर वो असल में घर में काम चल रहा है तो वो घर सब फैला हुआ है। अच्छा हाँ। क्या बात है, कुछ घबराए घबराए से लग रहे हैं? नहीं 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 सर, मैं घबराया हुआ तो नहीं हूँ, वो आप अचानक इस तरह आ गए ना तो बस। हाँ हाँ बस आज आप ऑफिस नहीं आए ना तो मैंने सोचा खैरियत मालूम कर लूं। और चाय पीना चाह रहा था मैं भाभी के हाथ से। चाय चाय, चाय। हाँ भाभी भाभी के हाथ में वो है क्या ना, जरा तारुफ तो कराइए। सर वो अरे क्या हो गया फरहान साहब, इतना नहीं डरा करते बीवियों से, बुला तो ले उन्हें। चले मेरे ख्याल से शर्मा रहे हैं आप, मैं खुद बुला लेता हूँ। हाँ भाभी जान। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं हूं शाहान फरहान के ऑफिस से। सर लगता है आवाज नहीं गई, मैं थोड़ा अंदर जाके बुला लेता हूं। घर पे कोई नहीं है सर। कोई नहीं तो कहां गई हैं? वो गई हैं सर, वो कहां कहां गई हैं सोचिए मैनेजर साहब। जी 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 कहां गई हैं आखिर वो? झूठ बोला तुमने, बोलो किसके कहने पर झूठ बोला तुमने? सर यही है, आप क्या कह रहे हैं सर? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे कि किसके कहने पर तुमने झूठ बोला तो मैं वो करूंगा जिसका तुम सोच नहीं सकते। बताओ बताओ क्यों झूठ बोला तुमने और किसके कहने पर झूठ बोला? बोलो। बताता हूँ सर, सब सब, सब बताता हूँ सर। अच्छा तो कितने लोग हैं घर में? मैं खुद। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं खुद अकेली रहती हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं रहता। शादी नहीं की?
जी शादी की थी 3 बार, अब शादी करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मिसेस इखलाक हाँ मेरी जान, बड़े सरप्राइज, कैसी हो तुम? ये क्या क्यों चली आई यहाँ हमें छोड़? बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। खाला से मिली है ना आप? है तो मेरी खाला लेकिन बिल्कुल मेरी माँ जैसी। जी इनसे मुलाकात हो चुकी है। She seems like a very fine lady. Yes. But I don't think she really likes me. क्या कह रही है? आपकी तारीफ कर रही हैं। I think हम अपने रूम में चल के बैठते हैं, हाँ? Sure. Yeah, that's a good idea. मैं जरा रूम में लेके जा रही हूँ। Nice to meet you, खाला जी। कैसे कैसे लोगों से दोस्ती कर ली है उल्फत ने? हाय 3-3 शादियां, तौबा 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 अल्लाह। अगर आपको अच्छी बीवी मिल जाए तो जिंदगी पूर सुकून हो जाती है। दिल चाहता है दुनिया की हर खुशी लाके तुम्हारे कदमों में रख दूं। बहुत मोहब्बत करता हूँ उल्फत से। मैं तुम्हारा साथ दे तो सकता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ चल नहीं सकता। मैं नहीं रह सकती इस गुर्बत में, दम घुटता है मेरा। आखिर चाहती क्या हो? शफक से शादी। अगर तुम अपनी जिद से पीछे ना हटी ना तो मैं खुद को इस घर को आग लगा दूंगा। मैंने तुमसे तो अपनी उम्मीदें बांध कर रखी है, इस तरह तोड़कर मत जाओ। हटो। तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ोगी, हमारी मोहब्बत को छोड़ोगी? मैं मोहब्बत के लिए मोहब्बत को छोड़ के जा रही हूँ? आपको भी पता होना चाहिए कि मोहब्बत में तड़पना किसे कहते हैं। मुझसे ज्यादा वो आपको चाहती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उल्फत से ज्यादा मुझसे कोई प्यार कर सकता है। उसने मुझे गलत साबित कर दिया, उसने मेरे यकीन को गलत साबित कर दिया। शाहान आपका निकाह शफक दुख्तर वजाहत हुसैन के साथ पढ़ाया जाता है, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। मेरी खुशियाँ, मेरा सुकून मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है और मैं इसे रोक नहीं पा रहा। औरत को अगर ठीक से रखा जाए तो अपनी मोहब्बत से अपने घर को गर्मा देती है, और अगर धिक्कार दिया जाए तो अपने ही हाथों से अपने घर को आग लगा देती है। Are you serious? तुम्हें क्या लगता है पलटना बहुत आसान है? सब कुछ छोड़ के तुम यहाँ वापस आ सकती हो? वो जगह तो मैंने कब की छोड़ दी मिसेस इखलाक। शाहान की बातों से मुझे अंदाजा हुआ है कि मैं धोखे की जिंदगी में खुश होने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सच पूछा जाए तो वो जिंदगी मेरी थी ही नहीं। देखा जाए तो मेरी जगह ये है, मेरी जगह, मेरी जिंदगी, मेरी कायनात, मेरा घर। I'm very sorry. तुम बातें इस तरह कर रही हो, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है मगर इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? हम जाना चाहती हूँ तुम्हें। छोड़ा हुआ मकाम या छोड़ी हुई जगह कभी वापस नहीं मिलती। जब तक हम वापस आते हैं सब कुछ बदल चुका होता है। मोहब्बत का अंदाज, चाहतों के रिश्ते और बदले हुए रिश्ते में अपना मकाम ढूंढने में उम्र बीत जाती। नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं बदला। देखिए सब कुछ वैसा का वैसे ही है, वही लोग, वही रिश्ते, वही मोहब्बत, वही शाहान, वही मैं। कुछ भी नहीं बदला। अच्छा क्या यही तुम्हारी जगह है? अब वो तो इसलिए क्योंकि वहां शफक। जगह बदल गई ना, दिल का मुकाम भी देख लेना, कहीं वहां भी तुम्हारी जगह ना बदल गई। ले आई हूँ खाना। ये देखिए शाहान, आज मैंने आपके लिए वही अचार गोश्त बनाया और ये सैलेड बनाया मैंने। मैं आपको खीरा दे रही हूँ।
कुछ मुझे भी खाने को मिलेगा या मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा? क्यों नहीं। अरे बस करो बस करो, तुम दोनों, बीमार आदमी कितना खा सकता है। बैठ जाओ ना, तुम दोनों भी खाना खाओ, आ जाओ। देख रहे हैं शाहान, मेरी बहुएं कितनी मोहब्बत करती हैं मुझसे। जी इन दोनों की मोहब्बत ही तो देख रहा हूँ। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? रोटी तो देना ही पड़ेगा, ये लीजिए। बस यार मुझे भूख नहीं है। नहीं शाहान, इस तरह से दस्तरखान से नहीं उठते, बैठ जा। क्या हो गया तेरी भूख को? बस अम्मा, दिल पे बोझ सा पड़ रहा है, धड़कन भी बिल्कुल मध्यम हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे शायद रोक ही जाएगी। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? आज के बाद ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालिएगा। अच्छा ये लीजिए। क्यों दिल दहला रहा है बेटा, बता तो, हुआ क्या है? वो क्या है ना कि अम्मा, सौदा हुआ है। सौदा? कैसा सौदा? बहुत बड़ा सौदा, मोहब्बत का, इंसानियत का, एतमाद का सौदा हुआ है। एक बीवी के हाथों एक शौहर का सौदा हुआ है।